हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय। मैं हूं आपका रफ़ी सर। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने मुझे जो भी कंपाउंड दिया था उसमें मैंने आग लगा दी। डैट मीन्स मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, मेटल नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट के बारे में बात किया था। एंड आज आप मुझे जो भी कंपाउंड दोगे उस पर मैं आग बुझा दी। डैट मीन्स मैं उस पर पानी डाल दूंगा। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिसिस। तो देखो, हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे खुद आपका जो वाटर है वो एक रिएक्टेंट का काम करेगा। यहाँ पे खुद वाटर रिएक्टेंट का काम करेगा, नॉट सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो उसमें सिंपल सा जो मैंने ट्रिक्स दिया है वो ये है कि आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। डैट मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे फास्फोरस और हैलोजन बॉन्डेड है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है, तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है एंड गिव H2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। वाटर का H आपको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ रखना है एंड OH जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ रखना है और ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। डैट मीन्स P को OH मिल जाएगा और Cl को H मिल जाएंगे। पहले पॉइंट का ये मतलब है कि यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड गिव H2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड OH2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। डैट मीन्स पार्सलिटी नहीं करना है, बराबरी को मेंटेन करना है। लेस को मोर देना है, मोर को लेस देना है। दूसरा जो पॉइंट है डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनरली हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहता है। बट कहीं कहीं पे हो सकता है, जैसे कि जेनॉन की फ्लोराइड लाइक Xe F2, जेनॉन की फ्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। एंड सम नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक N2O4, तो यहाँ पे भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। तो कुछ जगह को छोड़ करके बाकी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। एंड तीसरा जो पॉइंट है डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर एलिमेंट की अपनी एक कैपेसिटी है OH रखने की। तो अगर कहीं पे कार्बन या हैलोजन आपको दिखे तो वो मैक्सिमम एक OH रख सकता है एट ए टाइम अपने ऊपर। सिमिलरली सल्फर होगा तो वो दो OH रख सकता है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखते भी हैं सल्फर मैक्सिमम दो OH रख सकता है। फॉस्फोरस मैक्सिमम तीन OH रख सकता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड में। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जैसे कार्बन मैक्सिमम आप देख सकते हो एक OH रख सकता है, अगर किसी कंडीशन में कार्बन पे दो OH आ जाते हैं, ध्यान दे एक ही कार्बन पे अगर दो OH आ जाता है तो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देना है, बाहर कर देना है। एक वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। डैट मीन्स एक OH और एक H बाहर कर देना है। तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो इस कंडीशन में ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH हो तो आपको वाटर बाहर कर देना है। वैसे ही कहीं पे अगर सल्फर पे दो से ज़्यादा होंगे तो वाटर आपको बाहर करना पड़ेगा, वैसे ही फास्फोरस में अगर तीन से ज़्यादा होंगे तो वाटर आपको बाहर करना पड़ेगा। नाउ हाइड्रोलिसिस हमें करना किस किस का है उसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको, कि हाइड्रोलिसिस हमें हैलाइड का करना है। फॉर एग्जांपल PCl3 XeF4, मतलब हैलोजन इसमें होगा। मेन पॉइंट इज कि इसमें हैलोजन होंगे तो आप कैसे करेंगे। हमें ऑक्साइड का करना है, नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक N2O5 Cl2O5 N2O3 एटसेट्रा, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। नाइट्राइड मतलब एक नाइट्रोजन पे -3 लाइक AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड, Li3N लिथियम नाइट्राइड, तो इन सब का हाइड्रोलिसिस करेंगे। डैट मीन्स इसकी रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या होगा। सिमिलरली कार्बाइड लाइक CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, Mg2C3 एटसेट्रा, Al4C3, तो ये मेटल की कार्बाइड हो गए, ये मेटल के नाइट्राइड हो गए, इनका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे।
नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मैं इसी सीरियल ऑर्डर में एक एक करके डिटेल डिस्कशन सबका करता हूँ कि आपको कैसे इसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को याद रखना है। नाउ अब मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा वो वाले एग्जांपल लेता हूँ, और एक वो वाला जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होंगे। तो कैसे आप मेरे सिंपल ट्रिक से करेंगे ऐसी रिएक्शन को, तो आप ध्यान से देखें। PCl5 की रिएक्शन मैं H2O से करा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, PCl5 का आप एक रफ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। ये मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था, ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव। यू नो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो आपको क्या करना है, वाटर का H इधर रखना है और OH इधर रखना है। वैसे ही वाटर का H इधर एंड OH इधर, वैसे ही वाटर का H इधर एंड OH इधर, वैसे ही वाटर का H इधर एंड OH इधर, वाटर का H इधर एंड OH इधर। और आपको क्या करना है, ये सारे बॉन्ड को आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो आप ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या हो गया है, फास्फोरस पे 5 OH आ चुके हैं। उसको मैं पहले ड्रॉ कर दे रहा हूँ आराम से। अब मैंने एक ट्रिक दिया था पॉइंट नंबर 3 में कि फास्फोरस के पास मैक्सिमम 3 OH संभालने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक OH और एक यहाँ से H वाटर के फॉर्म में बाहर कर देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो क्या बन गया, पी डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड पूरा निकल चुका है और ये H निकला, तो ये पी डबल बॉन्ड O बन जाएगा और 3 OH इसके पास रहेंगे। तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड बनकर के तैयार हो गया है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 5 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 5 है। तो जो मैंने कहा था कि जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो चुका है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि अगर इसका मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल तो आपने यूज किया, लेकिन उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, फिर से आपको मिल गया है। तो एक्चुअली में इसका कितना वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ, 4। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपको ऐसे दे दे कि PCl5 की रिएक्शन हम सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करा रहे हैं, तो पहले केस में आपका दोनों एक्सियल वाला Cl बाहर हो जाएगा और दोनों पे OH आएंगे, जिससे वाटर बाहर करेंगे तो आपको पहले मिलेगा POCl3। दैट मीन्स इस टाइप का पहले आपको मिल जाएगा, दोनों Cl की जगह OH आ गया और फिर वाटर बाहर कर दिए, और फिर इसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप दोगे तो यू विल गेट H3PO4। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, PCl3+H2O। तो यू नो अगेन PCl3 का आप स्ट्रक्चर बना लो, PCl3 एक लोन पेयर इसके पास होगा और फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको H एंड इसको OH देना, इसको H एंड इसको OH, इसको H एंड इसको OH, और ये बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना। तो आपको कैसा दिखेगा, पहले POH OH OH, पहले आराम से यहाँ तक। आपको ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस में मैंने ट्रिक दिया था कि कभी भी फास्फोरस के ऑक्जो एसिड में वो 5 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए ये पहले खुद को रीअरेंज कर लेंगे, और रीअरेंज करने के बाद ये क्या बना देंगे आपका, इस टाइप से H3PO3 वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, एक तरह से टाउटोमेरिज्म कर लेंगे ये, यू कैन से। तो ये आपका फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो H3PO3 होगा, डैट इज फॉस्फोरस एसिड। अगेन आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्जो एसिड बनाना है।
यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुए, तो आप देख सकते हो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया, ये रीअरेंज हुआ है। ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि फास्फोरस के केस में हमने आपको बताया कि वो 3 OH आराम से सह सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई वाटर बाहर नहीं किया, रीअरेंज कराया है। नाउ एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, CLF3+ वाटर। तो यू नो CLF3 में इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो आप फ्लोरीन अटैच कर दें और ये क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर होंगे। नाउ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर H रखना आपको, इधर OH, इधर H रखना है, इधर OH, इधर H रखना और इधर OH, और ये बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि Cl पे आपके पास 3 OH आ जाएगा। नाउ ट्रिक में मैंने बताया था कि क्लोरीन मैक्सिमम 1 OH ही रख सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें 1 OH और 1 H को बाहर करना पड़ेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट Cl डबल बॉन्ड ओ एंड OH, दैट इज HClO2, जो कि फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन प्लस 3 में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लोरस एसिड। यहाँ पे भी क्लोरीन प्लस 3 में था, आप देख सकते हो, और यहाँ भी ये प्लस 3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कितने वाटर मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली में तो मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, लेकिन उसमें से 1 वाटर आपको मिल गया है, तो आपको कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 ही वाटर मॉलिक्यूल, और बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, तो सबसे क्या मिल जाएंगे, HF, और कितने मिलेंगे, 3 है तो 3 HF आपको मिल जाएगा। तो अगर बैलेंस रिएक्शन भी लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हो कि CLF3+2H2O, 2H2O क्यों, क्योंकि 1 वाटर आपको मिल चुका है, विल गिव यू HClO2+3HF। आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन बैलेंस होंगी, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, 1 क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, 3 फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 1 और 3 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो अपने आप रिएक्शन भी बैलेंस आ जाएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, सब मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपको समझा दिया है। आई होप अगर आप इस पर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे रिएक्शन को रटने से आप बच जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उस केस में क्या करेंगे। ये वो केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेंज होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको सही से समझेंगे भी। नाउ द क्वेश्चन इज कि जेनॉन के मैंने 3 फ्लोराइड लिखे हैं, एक XeF2, एक XeF4 और एक XeF6, यही 3 फ्लोराइड इसकी एग्जिस्ट होती हैं, और इस पे मैंने क्या किया है, वाटर से रिएक्शन करने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे मेरे जो ट्रिक है उस पे मैंने सिंपल सा एक कनेक्शन लिया है कि XeF2 को मैं फूफा मान रहा हूँ। फूफा जो है वो एक्चुअली जो फादर होते हैं उसकी सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं, लाइक मौसा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो है, और ये XeF4 जो है वो फादर की सिस्टर हो गई, फूफी बोलते हैं, और XeF6 तुम हो गए। ये एक कनेक्शन बनाया है और कोई यूज नहीं इसका, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ये हो गए फादर के सिस्टर के हस्बैंड हो गए, ये फादर की सिस्टर हो गई, और ये तुम हो गए। यू नो इनका जो है वो कुछ ज़्यादा ही नाटक होता है, जस्ट जोक्स अपार्ट इनके नाटक ज़्यादा होते हैं, डैट मीन्स अगर इसको किसी मैरिज में बुलाओ अगर तो ये ज़्यादा ही रूठते हैं। तो आपने क्या किया, एक्चुअली ध्यान से देखो, तो आपने फूफा पे पानी डाल दिया, तो आप क्या करेंगे, ये अगर इनको शादी में बुलाओ और इनके ऊपर पानी डाल दो तो क्या होगा, ये पूरा ही उखड़ जाएंगे, ये पूरा सबको बोलेंगे मुझे किसी से रिश्ता ही नहीं रखना, तो क्या करेंगे, ये दुनिया से एक तरह से अलग ही हो जाएंगे, किसी से मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, बॉन्ड ही नहीं बनाना, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेनॉन। क्यों, क्योंकि इसने फ्लोरीन को भी छोड़ दिया, इसको किसी से रिश्ता ही नहीं रखना है। अब फ्लोरीन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन के साथ वो क्या कर लेगा, HF, और जो वाटर का H चला गया तो ऑक्सीजन बेचारा अकेला बच गया, तो क्या मिल जाएगा, O2। तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गए कि अगर XeF2 पे अगर आप, जिसको मैंने फूफा एज्यूम किया है, वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, सारे रिश्ते को ये तोड़ देंगे, तो इसलिए आपको जेनॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 0 में आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है।
सिमिलरली ये फूफी हो गए, अब इनको दो दो रिलेशन समानना है, एक फादर वाला और एक हस्बैंड वाला, तो इसलिए अगर ये हस्बैंड के साथ गई कभी तो ये भी बॉन्ड नहीं बनाएंगी, और फादर के साथ आए तो बॉन्ड बनाएंगी, तो ये दोनों काम करेंगी। तो अगर ये हस्बैंड का पार्ट ली तो बॉन्ड नहीं बनाएंगी, तो XG, HF और O2 तो बनता ही वैसे ही, और अगर फादर का पार्ट ली तो ये बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको क्या बनाना है, XeO3 आपको बनाना पड़ेगा, XeO3 प्लस XeO3, ये तब जब फादर का ये साइड लेंगी तो। और ये तो तुम हो, वैसे भी नहीं नहाते हो, तो जैसे जैसे वाटर तुम पे डाला जाएगा तुम तो मजे लोगे। तो अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल डालूं तो यू नो एक वाटर में दो हाइड्रोजन है, तो ये दो फ्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा, तो पहले केस में आपको मिलेगा XeOF4। क्यों? क्योंकि दो HF मॉलिक्यूल आपके बाहर हो जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन, इसका दो फ्लोरीन बाहर, एक ऑक्सीजन अटैच हो गया। फिर से अगर आप पे वाटर डाला जाए तो फिर क्या होगा, फिर से अभी दो फ्लोरीन और हैं, फिर से दो HF बाहर होंगे और क्या बन जाएगा, XeO2F2। फिर से अगर XeO2F2 पे वाटर डाला जाए तो फिर से दो फ्लोरीन है, दो HF बाहर हो जाएंगे और बन जाएगा XeO3। तो ये XeO3 यहाँ भी बन रहा है और XeO3 यहाँ भी बन रहा था। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, या ये दोनों रिएक्शन में क्या चीज़ें कॉमन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिनॉन HFO2 कॉमन है, या इन दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन है, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो HF एंड XeO3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने कॉमन है, फिर इन सब के स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो वैसे तो इसके बारे में हम बॉन्डिंग में बात करेंगे, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। और ये वो केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये +4 था और यहाँ पे ये +6 में आ चुका है, बट यहाँ पे नो ऑक्सीडेशन, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है, ये ध्यान दें, सिर्फ फोर फूफा और फूफी वाले में, जो एक्चुअली में जिनके थोड़ा नखरे रहते हैं उनके ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ये तो तुम हो, तुमको कितना भी पानी डाल दिया जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट दो केस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, इसको कैसे याद रखना मैंने ईजी तरीका आपको बताया। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड का कैसे करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया N2O5 और H2O, तो यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे, डैट इज HNO3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो वो भी ईजी है, दो नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो आप इसको 2 टाइम्स कर सकते हो इस टाइप से। नाउ द क्वेश्चन इज कि कभी कभी इसको जो बोलते हैं ये एनहाइड्रस फॉर्म हो गया, एनहाइड्रस फॉर्म, और ये कैसा हो गया, हाइड्रस फॉर्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस, मतलब वैसे नॉन मेटल के एस ऑक्साइड जिसमें हाइड्रोजन ना हो, ध्यान दो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो एनहाइड्रस बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रस फॉर्म बोलेंगे। तो जितने भी ऑक्जो एसिड है वो हाइड्रस फॉर्म हो गया, उस ऑक्जो एसिड में से अगर मैंने कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो फिर जो बचेगा वो एनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है और बैक भी दे सकता है, कि अगर मैंने इसको आपको ऐसे बैक दे दे कि HNO3 को सपोज करो मैंने HNO3 को डिहाइड्रेट किया, लाइक P4O10 कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल से आप वाटर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो मुझे इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। दो मॉलिक्यूल लिया तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर हो गए, तो बचे कितने, दो नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, तो देख सकते हो ये बन गया। तो इस टाइप से भी आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कहीं पर अगर मुझे देता है N2O3 प्लस वाटर, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा +3 है, तो मैं क्या बना दूंगा, HNO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्जो एसिड में बना दूंगा। सिमिलरली इसका उल्टा देता कि इसको अगर डिहाइड्रेट करेंगे तो अब फिर अगेन इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। सिमिलरली कहीं पर अगर मान लो Cl2O5 देता है प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्लोरीन +5 में, तो +5 वाला कौन सा बन जाएगा, HClO3, ये आपको बना देना है। अगेन इसके भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे।
तो ऑक्साइड में तो वेरी सिंपल है कि आपको वाटर अटैच कर देना है और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बना देना है। ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ पे होंगे, जैसे N2O4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वीनो की नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो +3 वाले होते हैं या +5 वाले होते हैं। तो अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसके जो ऑक्सो एसिड है नॉन ऑक्सो एसिड उसके बीच में आ रहा है, तो आपको फिर एक उससे आगे वाला ऑक्सो एसिड बनाना है और एक उससे पीछे वाला। जैसे ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाऊंगा मैं, तो HNO2 +3 वाला, और एक 4 से ज़्यादा तो बनाऊंगा HNO3 +5 वाला। क्यों? क्योंकि जब इसमें मैंने वाटर डाला था, इसमें वाटर डाला तो ये इस टाइप का कुछ बनता है H2N2O5, लेकिन ऐसा कोई ऑक्सो एसिड नहीं होता नाइट्रोजन का, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखो कि इन दोनों को लेकर के मैं एक वाटर हटा दूं तो मुझे फिर यही मिल जाएगा N2O4। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऑक्सो एसिड के इन बिटवीन आ रहे हैं तो फिर आपको एक उससे ज़्यादा वाला बनाना और एक उससे कम वाला। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कहीं पे दे दिया Cl2O6 प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका वो +6 में। यू नो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड +1 वाले हो सकते हैं, +3 +5 +7 और नंबर में, तो ये 6 इज इन बिटवीन 5 और 7। तो आपको क्या करना है, एक 5 वाला बनाना है HClO3, और एक क्या करना है 7 वाला बनाना है, तो HClO4, क्योंकि 7 और 5 के बीच में कौन आ जाएगा 6, और इन दोनों को अगर आप क्लब कर करके वाटर हटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। तो ऑक्साइड के केस में ये वो केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, और किस केस में होगा तो वो भी हमने आइडिया दिया है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसके नॉन ऑक्सो एसिड हैं उसके अगर बीच में आ रहा है तो एक लो वाला बनाना और एक हाई वाला बनाना। नाउ लास्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड एंड कार्बाइड के केस में कैसे करेंगे। तो देखो नाइट्राइड में यू नो नाइट्रोजन पे -3 रहेगा, कार्बाइड में कार्बन पे कुछ -X आएंगे, इट मे बी -2 -3, वो डिपेंड करता है कैसे चार्जेज हैं। तो ये ध्यान से देखो, तो इसमें सब में मेटल होंगे, ये मेटल की नाइट्राइड होगी। तो आपको ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस कैसे करना है, चार्ज निकाल लेना। यू नो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो नाइट्रोजन पे -3 होगा, और जितना प्लस चार्ज होगा प्लस वाले को आपको जितना प्लस होगा उतना OH देना है, और जितना माइनस होगा उतना उसको H देना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3 है तो इसको 3 OH मिल जाएगा, और नाइट्रोजन पे 3- है तो इसको 3 H मिल जाएंगे, तो अमोनिया गैस आपको मिल जाएगा। सिमिलरली सेम लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, यू नो Li पे +1 होता है और 3 Li हैं तो यहाँ पे 3- आएंगे, तो इसका रिएक्शन वाटर से कराओगे तो लिथियम को आपको 1+ है तो 1 OH देना है, और नाइट्रोजन पे 3- है तो 3 H देना है, तो यहाँ से भी अमोनिया गैस मिल जाएगी। और ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस मिलेगा, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्बाइड के केस में कैसे करेंगे। तो सेम वही लॉजिक कि जितना प्लस होगा उतना आपको OH देना है, और जितना माइनस होगा उतना H देना है। तो यहाँ पे यू नो कैल्शियम पे +2 होगा तो ओवरऑल 2 कार्बन पे -2 आएंगे, तो कैल्शियम पे +2 है तो 2 OH दे दिया, और 2 कार्बन पे 2- है तो मैंने 2 हाइड्रोजन, डेट इज एसिटिलीन गैस बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिएक्शन को टारगेट किया जाता है ऑर्गेनिक में भी, कि कैल्शियम कार्बाइड जिसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, इसका एक और नेम है हाइड्रोलिथ, तो इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे। तो ऐसे केस में जितने भी कार्बाइड हैं आपको चार्ज से जाना है, जितना प्लस चार्ज आएगा उतना OH और जितना माइनस आएगा उतना H। सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो मैग्नीशियम पे +2 होता है सेकेंड ग्रुप का है, तो 1 मैग्नीशियम पे 2+ होंगे, और तो यहाँ पे मैग्नीशियम का तो क्या बना देना है OH2, और यहाँ पे 3 कार्बन है, चूँकि 2 मैग्नीशियम होने की वजह से 4+ आएगा, तो 3 कार्बन पे टोटल 4- आएंगे तो C3H4, इसको 4 हाइड्रोजन दे देना, तो ये भी आपका प्रोपाइन गैस बन जाएगा। नाउ यहाँ पे इस केस में कैसे करेंगे, तो यू नो एक एल्युमिनियम पे +3 होता है तो इसको 3 OH दे दें, और 4 एल्युमिनियम है तो 12+, तो यहाँ पे 12- आया तो C3H12 तो हो जाएगा,
बट यू नो कि तीन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं तीन कॉमन निकाल दूँ तो थ्री टाइम्स ऑफ सी एच फोर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन कई बार पूछी जाती हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड पे वाटर डालेंगे तो आपको मीथेन गैस मिलेंगी। ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें जो कंसेप्ट है वही ट्रिक का पहला पॉइंट लगाया है कि ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड गिव H2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसको H दिया, एंड OH2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्युमिनियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसको OH दिया। तो नाइट्राइड में ऐसे करना है आपको, कार्बाइड में ऐसे करना है। नाउ जाते जाते अब मैं ज्ञान की बात करूँगा, और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो CCl4 है इस पर अगर आप वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी नहीं है, वैकेंट डी और बटन नहीं है कार्बन के पास, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होंगी। SF6 पे अगर वाटर डालोगे तो अगेन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होंगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल सल्फर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6-6 फ्लोरिन उसको सराउंड कर रखे हैं। SiC बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, एंड B4C इसको भी रिएक्शन से वाटर से कराओगे तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जिसमें ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, डैट मीन्स अगर इस पर अगर आप वाटर डालोगे तो एज यूजल बोरॉन को OH मिलेगा, फ्लोरिन को H मिलेगा, तो आपका क्या बनता है, HF, एंड बोरॉन को OH मिलता है तो BOH होल थ्राइस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3 बोरिक एसिड, क्योंकि बोरॉन इसमें अपने हाईएस्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो HF बना ये आपका BF3 से रिएक्ट कर जाएगा, जो BF3 के मॉलिक्यूल होंगे उससे रिएक्ट कर जाएगा ये, और ये बना लेगा HBF4-। तो इसीलिए सारे के सारे BF3 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही HF बनता है तो कुछ HF BF3 से रिएक्ट कर जाते हैं और ये बना लेते हैं। तो इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहो तो भी इजी है, BF3 3H2O, BF3 + H2O गिव्स यू HBF4-, और H पे प्लस आ जाएगा, +H3BO3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो, इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी आसान है, आपके यहाँ पे एक बोरॉन है, इधर बोरॉन यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ पे अगर आपने 4 किया तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, 4 फ्लोरीन हो गए, 3 × 4 = 12 फ्लोरीन हो गए, यहाँ भी 12 फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पे आपको 3H2O करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ 3 और यहाँ 3 6 हो गए। तो बैलेंस रिएक्शन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मैंने बता दिया। तो आई होप ये मेरा हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा और उसकी ट्रिक्स दूँगा। थैंक यू।